नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरभि। और अगर आप लोग इस तरीके का नियॉन लाइन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लस वाले बटन पे टैग करिएगा, उसके बाद ये 16:9 का रेशियो आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आप एक बैकग्राउंड ले लीजिएगा, बैकग्राउंड आप ब्लैक कलर का लीजिएगा। और उसके बाद जितने सेकंड का आप बनाना चाहते हैं उतना सेकंड आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपको यहाँ पे हैंडराइटिंग लिखा हुआ और एक पेंसिल बना हुआ दिख रहा है, आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो है आप ये जो देख रहे हैं आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आप अगर सर्कल में बनाना चाहते हैं तो सर्कल चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्वायर बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से अपना ये जो आप ड्रॉ करेंगे तो इससे आप उसकी मोटाई को देख लीजिएगा कि कितना आप रखना चाहते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर इतना रखा है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से आप लाइन ले लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको भी पूरा उतना ही कर लीजिए जितना आपने बैकग्राउंड रखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेयर पे जाना है। लेयर के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने जो इमेज डाउनलोड करके रखा होगा, फिलहाल मैं यहाँ पर एक इमेज ले रही हूँ, ये वाला इमेज। ऐसा इमेज आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको क्या करना है, पूरा फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके सामने आ रहा ऑप्शन ब्लेंडिंग का, उसके बाद यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद जो है इसको भी पूरा जितना बैकग्राउंड आपने रखा है उतना बैकग्राउंड रख देना है। उसके बाद आप इसमें एनिमेशन दे दीजिएगा, जो एनिमेशन आपको थोड़ा ठीक लगेगा। मैं यहाँ पे रिंग वाला दे रही हूँ, तो कुछ इस तरीके का ये देखिए बन गया। अब आप अगर चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइन ड्रॉ हो खुद से, तो ये लाइन ड्रॉ होगा कैसे, तो हैंडराइटिंग वाले पे टैप करेगा तो आपके सामने ये गोल वाला दिख रहा है, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद जो है ड्रॉ बाय स्ट्रोक पे करिएगा तो कुछ इस तरीके से ये होने लगेगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनाना है तो मैं यहाँ पे नन कर दे रही हूँ, ओके कर देना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई म्यूज़िक ऐड करना है तो ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद जो है आप यहाँ से कोई भी म्यूज़िक ले लीजिए, प्लस कर लीजिएगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरीके का बना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।